तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में देखिए फ्लोर टेस्ट होना है और उससे पहले अभी ये जो गाड़ी अभी काफिला देख रहे हैं हेमंत सोरेन दरअसल पहुंचे हैं ईडी की गिरफ्त में और इन्हीं की वजह से मतलब जमीन घोटाले के आरोप लगे, उसके बाद इस्तीफे देने की नौबत आई और उसके बाद चिम्पई सोरेन जो कि नए मुख्यमंत्री चुने गए और आज ही 72 घंटे बाद आज उन्हें बहुमत साबित करना है, बहुमत परीक्षण होना है और सत्यजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारी जद्दोजहद के बीच उनको जो है सिक्योरिटी कोशिश कर अंदर घुसने का तमाम जो है मीडिया की हुई है। कोर्ट ने ये भी मीडिया से दूरी बनाकर रखिएगा, कोर्ट ने ये भी कहा था कि मीडिया से दूरी बनाकर रखिए। ये देखिए यहाँ देखिए हेमंत सोरेन जो है वो पहुंचे हैं, उनको कोशिश जो है वो की जा रही है। अब इसी दरवाजे से जाएंगे हाउस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, मार्शल्स लगे हुए हैं, फोर्स जो है वो लगी हुई है कि उनको अंदर तक पहुंचाया जाए। हालांकि उनको मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया था तो संभवतः वो बात नहीं करेंगे क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट का है। लेकिन देखिए हेमंत सोरेन को उतारा जा रहा है और ले जाया जाएगा ऊपर चढ़े। देखिए हेमंत सोरेन इसी रास्ते से अंदर जाएंगे, इसी रास्ते से उनको लाया जाएगा, रास्ता बनाया जा रहा है। भारी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के बीच यहाँ देखिए हेमंत सोरेन को अब हेमंत सोरेन उतर चुके हैं, हेमंत सोरेन को अब अंदर जो है ले जाया जा रहा है भारी धक्का मुक्की के बीच। आप देख सकते हैं अंदर जो है हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और देखिए हाउस के अंदर वो घुस गए हैं हेमंत सोरेन। यहाँ एमएलए ने उनको किया था परमिशन कि वो ट्रस्ट वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ईडी सिक्योरिटी में उनको छोड़ा गया। यहाँ हैंडओवर करने के बाद एक इनोवा गाड़ी से वो आते हैं और भारी मशक्कत के बीच उनको अंदर ले जाया जाता है। ट्रस्ट वोट करेंगे स्पेशल सेशन जो कन्वीन किया गया 5 और 6 फरवरी उसका वो हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार रांची। तो फिलहाल 2 दिन का देखिए सेशन है जिसमें बहुमत परीक्षण करना है, शपथ के बाद आज वो दिन, आज वो घड़ी जब कितने विधायक उनके साथ हैं क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन कितने हैं अभी साथ में ये दरअसल आज होना है, फ्लोर टेस्ट होना है। हेमंत सोरेन अब से ये देखा आपने तस्वीर, वो दरअसल ईडी अधिकारी उनको लेकर पहुंचे विधानसभा, उनको भी इजाजत मिली थी। आज जब बहुमत परीक्षण है, फ्लोर टेस्ट है तो उसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हो रहे हैं और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा पहुंच चुके हैं इस वक्त हेमंत सोरेन और थोड़ी देर में वो विधायक जो कि हैदराबाद पहुंच गए थे कल ही वो रांची पहुंचे हैं, गठबंधन के विधायक जिन्हें डर सता रहा था खरीद फरोख का टूट का, वो सब अब आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचने वाले 11 बजे बताया जा रहा है शुरू होगा सबसे पहले अभिभाषण, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होने हैं। ईडी की हिरासत में विधानसभा पहुंचे हैं, बहुमत परीक्षण में आज हेमंत सोरेन भी वोट डालने वाले हैं। हालांकि एक सीट खाली है, 2 अनुपस्थित हैं, इस हिसाब से जो आंकड़ा है वो भी कम हो रहा है लेकिन सब अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी खेला से बचने के लिए हैदराबाद भी इन विधायकों को, गठबंधन के विधायकों को शिफ्ट किया गया और कल ही वो आए हैं सर्किट हाउस में, उनको ठहराया गया। सर्किट हाउस में एक बस तैयार थी उससे अब विधायक जो है वो आने वाले, लेकिन इस बीच जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन जमीन घोटाले का आरोप इन पर लगा, उसके बाद शिकंजा कसा, नौबत यहां तक आई कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद चंपाई सोरेन का नाम आगे किया गया, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद आज बहुमत परीक्षण है और इसी बहुमत परीक्षण में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन ने भी इजाजत मांगी थी और वो इजाजत उनको मिली। फिलहाल विधानसभा के अंदर वो पहुंच चुके हैं, ईडी के अधिकारी उनको बाकायदा लेकर पहुंचे और अब वो अंदर जा चुके हैं, आज वो इस कार्रवाई का भी हिस्सा होंगे, बहुमत परीक्षण के वक्त वो अपना भी वोट कर पाएंगे। ईडी की हिरासत में दरअसल पहुंचे हेमंत सोरेन बहुमत परीक्षण में, आज वो भी वोट डालने वाले हैं, वो विधायक भी होने वाले हैं जो हैदराबाद शिफ्ट किए गए थे। लेकिन अभी जब तक आप समझिए आखिरी घड़ी ना आ जाए इस वक्त धक-धक की स्थिति जरूर होगी, कहीं कोई टूट ना हो जाए, कहीं सरकार 72 घंटे बाद चली ना जाए, ये सारे डर सताते हुए और इसीलिए हैदराबाद दिन को शिफ्ट किया गया था। आज वो घड़ी है जब साबित करना होगा अपना बहुमत।